आदमी पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से सिर्फ ये आग्रह करने आया हूँ, मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को इस गठबंधन के साथ जोड़ने को लेकर 2014 में इनकी वजह से ही मेरे नेता, मेरे पिता और हम लोगों ने, लोक जनशक्ति पार्टी ने ये फैसला लिया एनडीए गठबंधन का हिस्सा बनने में, तो इसमें इनकी अहम भूमिका रही। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। 2014 में जब नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के उम्मीदवारी को लेकर के छोड़ करके एनडीए चले गए थे, तो चिराग पासवान और रामविलास पासवान 14 में ही एनडीए का हिस्सा बने थे। कैसे बने थे, क्या हुआ था और उस एनडीए के हिस्सा बनने के पीछे की पूरी कहानी क्या थी, इस बात को आज चिराग पासवान ने सबके सामने ओपन किया। और जब ये बात बता रहे थे चिराग पासवान, तो वहाँ खड़े भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और नेता सब चौंक गए थे, स्तब्ध हो गए थे। चिराग पासवान ने कई पुराने राज खोले, क्या कुछ कहा चिराग पासवान ने, ये आपको भी जानना जरूरी है। सुनिए चिराग पासवान ने क्या कहा जब वो आज रविशंकर प्रसाद के नॉमिनेशन के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे, कार्यकर्ताओं के बीच और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ एनडीए के समर्थकों के बीच खड़े चिराग पासवान ने जब अपनी बात रखना शुरू किया, तो मजबूर होकर रविशंकर प्रसाद को आना पड़ा और उन्हें गले लगाना पड़ा। ऐसी क्या बात हो गई, आप खुद सुनिए चिराग पासवान ने कौन से पुराने राज खोले और क्या कुछ कहा। बिहार प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय सिन्हा जी मौजूद इस सम्मानित मंच पर, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हमारे अभिभावक आदरणीय श्री नंदकिशोर यादव जी मौजूद इस सम्मानित मंच पर, बिहार सरकार में मंत्री और हमारे भाई श्री मंगल पांडे जी और मौजूद इस सम्मानित मंच पर आप सबके लोकप्रिय प्रत्याशी, बिहार केंद्र सरकार में पूर्व केंद्रीय मंत्री और मेरे अभिभावक, और आज इनके लिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, एकजुट हुए हैं, जिनकी जीत को लेकर हम लोग संकल्प लेकर हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, हमारे अभिभावक आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी। साथियों, आज आप लोग के समक्ष ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये संकल्प आप सब पहले ही ले चुके हैं। जहां एक तरफ आप सब की अहम भूमिका बिहार की 40 की 40 सीटें एनडीए के प्रत्याशी को जिताने को लेकर है, तो वहीं हमारे अभिभावक रविशंकर प्रसाद जी को लेकर भी आपका दृढ़ संकल्प दिखाई देता है। आप सब से मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से सिर्फ ये आग्रह करने आया हूँ, आदरणीय रविशंकर जी की एक अहम भूमिका रही, मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को इस गठबंधन के साथ जोड़ने को लेकर 2014 में इनकी वजह से ही मेरे नेता, मेरे पिता और हम लोगों ने, लोक जनशक्ति पार्टी ने ये फैसला लिया एनडीए गठबंधन का हिस्सा बनने में, तो इसमें इनकी अहम भूमिका रही। और हर उतार चढ़ाव में एक अभिभावक के तौर पर रविशंकर प्रसाद जी हम लोगों के साथ जुड़े रहे। बस ये आग्रह करने आया हूँ, चिराग पासवान भी पूरा इसमें योगदान अपना देगा आने वाले दिनों में, कि कैसे हर बार से ज्यादा मार्जिन से इस बार रविशंकर प्रसाद जी यहाँ से जीत कर जाए। और यही आग्रह आप सब से भी है, यही अनुरोध आप सब से भी है कि ज्यादा से ज्यादा मतों से इस बार रविशंकर प्रसाद जी को हम लोग जिता कर भारत की संसद में भेजने का काम करें। आप लोगों की सहमति है ना इसमें, पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।